हाय एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस टॉक। और कैसे हैं आप सब, और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? ठीक है, आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो लेके आए हैं एक और स्टूडेंट है हमारे, दिव्यांग सालियान नाम है उनका, उनके साथ में जिनका फेस टू क्लियर हुआ है, और वो बताएंगे कैसे फेस टू क्लियर किया है उन्होंने, कैसे तैयारी की है। ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, जो हमारे स्टूडेंट हैं सूरज निर्वाल, तो उनकी आप वीडियो जरूर देखें, जो रिटर्न के लिए देखना चाहें रिटर्न भी देख सकते हैं, और फेस टू की भी उनकी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिव्यांग मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कि आपका जो है फेस टू क्लियर हो गया है, और मे बी आपको फाइनल जॉब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अब जो है मेडिकल बचा हुआ है आपका। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है दिव्यांग, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके यहाँ, और आपके पापा क्या करते हैं, मतलब अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, वो उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं। मैं बिजनौर के एक गांव, नया गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पिता का नाम श्री पवन कुमार है। अच्छा। वे एक किसान और एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे से बड़ी दो बहन और हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा, मम्मी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी एक हाउस मेकर हैं। अच्छा, और आप कितने सिबलिंग्स हैं? मेरी दो बड़ी बहनें हैं। अच्छा। जिनके नाम पल्लवी एम शिवानी है। अच्छा अच्छा, मतलब आप तीन भाई बहन हैं, तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स में हैं पापा भी, और आपके जो सिस्टर्स हैं दोनों वो भी। अच्छा, तो जैसे अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप ब्लेज एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने जो स्टार्ट की है अपनी पढ़ाई, जैसे एकेडमिक्स की आपने की है 10-12, तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, मतलब CBSE से बिलोंग करते हैं आप, या फिर आपने UP बोर्ड से पढ़ाई की है? तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी मैं। मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई CBSE बोर्ड से की है। अच्छा। 10th क्लास में मैंने 10 CGPA गेट किए थे। अच्छा। उसके बाद 12th क्लास में मेरे 86% आए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैंने डिफेंस की पढ़ाई शुरू की। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ी कोचिंग की आवश्यकता है, उसके बाद मैंने डिफेंस जोन विद्याकुल को ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं बात करूं तुम्हारे फेज टू की, तो फेज टू आपका जो हुआ था वो हुआ मतलब कहाँ पे था, मतलब फेज टू मतलब गए तो होंगे आप जैसे, तो फेज टू के लिए मतलब कहाँ पे हुआ था आपका फेज टू? मेरा फेज टू कानपुर 3 ASC हुआ था। अच्छा। जहाँ पर 5:30 बजे की रिपोर्टिंग थी। अच्छा। और सुबह 5:30 बजे हमें चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर हमें रेस मारने के लिए रेडी कर दिया गया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा फिंगरप्रिंट्स के चेक वगैरह होकर किए गए, उसके बाद हमारी रेस हुई। रेस होने के तो कुछ तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी हुई, जैसे पुशअप, स्क्वाट्स। अच्छा, अच्छा। और सिटअप। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट दिया गया 4-5 मिनट का, और हमारा DFT और SRT रूम के लिए हमें अच्छा, भेज दिया गया। वहाँ पर हमारे कुछ फॉर्म फिलअप कराए गए, फिर उसके बाद हमारा टेस्ट कराया गया। पहला टेस्ट DFT डायनेमिक फैक्टर टेस्ट जो 15 मिनट का हुआ, उसमें 20 सवाल आए थे। अच्छा। और जनरली वे हो गए थे। अच्छा अच्छा। मैंने टाइम से उन्हें 7.5 मिनट में कर दिया था। अच्छा अच्छा। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे जो न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है DFT, तो DFT जो है मतलब स्टूडेंट का काफ़ी ये था कि बहुत मतलब परेशान थे कि DFT ने टेस्ट ऐड हो गया है, उसमें क्या होगा कैसे, तो मतलब क्या सोच के आप गए थे और क्या डिफरेंस आपको मिला उसमें, स्टैंडर्ड क्या था उससे रिलेटेड, मतलब कोई सजेशन या कुछ आप कहना चाहें स्टूडेंट से, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ सबसे पहले तो, कि DFT में क्या सोच के गए और वहाँ पे मिला क्या लेवल आपको? सबसे पहले DFT यहाँ पर नहीं था एयरफोर्स में, लेकिन इसी साल से लागू किया गया। सबसे पहले तो मैं डरा हुआ था कि क्या होगा इस बार, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे तुरंत विपरीत ही हुआ। अच्छा अच्छा। बहुत आसान एंटोनियम, सिनोनियम और प्रपोजिशन वहाँ पर यूज़ कराई गई, जो अच्छा, मैंने आसानी से कर ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दिव्यांग फेज टू की, तो फेज टू क्या फेज वन से बात करते हैं, फेज वन के लिए आपने प्रिपरेशन मतलब कोई कोचिंग क्लासेस ली, या फिर आपने मतलब सेल्फ स्टडी से अपना एग्जाम निकाला है, क्योंकि फेज टू में आपने एडमिशन लिया है हमारे यहाँ, रिटर्न के लिए पूछना चाहूंगी मैं। रिटर्न में मैंने अपने घर से ही तैयारी की, और क्योंकि मेरा 12th इसी साल हुआ था तो मैं टच में था अपनी स्टडी के। अच्छा। वापस से मैंने वही सब रिवाइज किया और उसकी तैयारी वहीं से मैंने की। अच्छा, सेल्फ स्टडी से आपका क्लियर हो गया। यस मैम। फेज टू की प्रिपरेशन के लिए मतलब पहले लेवल क्या था, और जैसे तैयारी की आपने हमारे यहाँ, तो मैं वो पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब अंतर आया लेवल में उसमें। फेज टू के लिए मैंने
थोड़ा मुझे बोलने में स्पीकिंग इंग्लिश में दिक्कत थी। फिर अच्छा मैंने विद्याकुल कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद आशीष सर जो हम जिन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी मेहनत की, उनका बड़ा योगदान मानूंगा मैं अपने फेस टू को क्लियर करने में। उन्होंने काफ़ी हमें गाइडेंस दिया और हमें इस परिपक्व बनाया कि हम सेकंड फेज को आसानी से क्लियर कर सकें। अच्छा, जीडी का टॉपिक वहाँ पे जो रहा है वो क्या रहा आपका? हमारा जीडी का टॉपिक, मुझे पॉवर्टी मिला था। अच्छा, जिस पर आसानी से मैंने अपने व्यूज़ दिए। अच्छा, और अपने सीओ विंग कमांडर का ध्यान आकर्षित किया। अच्छा, और अच्छा। बाध्य किया उन्हें कि मेरा नाम अब सिलेक्शन लिस्ट में डालें। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब आपको टॉपिक अच्छा मिला तो आप आराम से वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका तो ड्रीम की, तो जैसे डिफेंस में मतलब पहले से ही आपका ये था कि आपका ड्रीम था कि आपको डिफेंस में ही जाना है, या फिर कोई खास रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं अपना? ये शुरू से ऐसा नहीं था कि मैं डिफेंस में ही जाऊँगा। सबसे पहले मैं खेल को बहुत पसंद करता हूँ और मेरा एकमात्र सपना था कि क्रिकेटर बनना, लेकिन आजकल स्थिति कुछ और है, खेलों में बहुत कम वो है। मतलब बहुत कम जो है हो पाता है, छोटे शहरों में रह के वो थोड़ी दिक्कत है कि आप नहीं जा पाते, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद मैं अपने देश की सेवा के लिए बहुत, अपने देश पर बहुत गर्व करता हूँ, इसलिए मैंने सेकंड बार में अपनी डिफेंस के लिए मैंने यहाँ से सोचा। तो डिफेंस में मतलब आपका ये है कि आपका पहले से ही मन है कि मतलब जो क्रिकेट में नहीं हो पाया तो आपका मन था गवर्नमेंट जॉब में जाने का, वो भी डिफेंस की। अच्छा, कोई रोल मॉडल, कोई आइडियल जिसको आप मानते हैं रियल लाइफ में भी और वैसे भी, जिनकी तरह आप बनना चाहें? क्योंकि हर किसी का अपना ये होता है कि हमें मतलब उनकी स्टोरी बहुत इफेक्ट करती है या हमें वो बहुत सही लगते हैं, हमें उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। कुछ ऐसा कोई आइडियल, कोई ऐसा पर्सन? मैं अपना आइडियल, अपना मार्गदर्शक अपने माता पिता को मानता हूँ। उनकी संस्कृति से और उनके विचारों से ही मैं इतना मजबूत बन पाया हूँ आज तक। अच्छा, अगर बात करें हम पर्सनल इंटरेस्ट की, तो हर कोई अपना रिफ्रेशमेंट देने के लिए खुद को अपना मतलब जो है कुछ ना कुछ हॉबीज तो उनकी होती हैं, तो आपकी हॉबीज क्या हैं दिव्यांग? मैं अपना खाली समय बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलने में बिताता हूँ, लेकिन अच्छा। अगर वहाँ से भी टाइम बच जाए तो मैं अपनी मम्मी के कार्य कराने में मतलब हेल्प करता हूँ, और अपनी मम्मी के पास बैठकर उनके विचारों को और अपने विचारों को आदान प्रदान करने। अच्छा, मतलब आपको भी सूरज की तरह थोड़ा डिस्कशन का शौक है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दिव्यांग बात करूँ तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है या सेकेंड? ये मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फेस वन और फेस टू दोनों क्लियर कर लिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो देखो मैं आपको बता दूं, दिव्यांग हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का कि आप सेल्फ स्टडी से भी और आप जस्ट 12th के बाद अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से फेस वन फेस टू, कहने का मतलब है आप जस्ट बाद 12th के अगर आप में है गट्स आप कर सकते हैं, तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, चाहे वो डिफेंस नहीं किसी भी की भी हो, बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। ठीक है, किस तरह से सीरियस होकर आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिव्यांग। ठीक है, बच्चे 1 साल 2 साल लगे रहते हैं, अपना तैयारी करते रहते हैं, कोई ना कोई कमी रह जाती है। उन्होंने सेल्फ स्टडी से अपना रिटर्न क्वालिफाई किया, उसके बाद फेस टू के लिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है विद्या कुल डिफेंस जोन, वहां पे आए और अब उनका फेस टू भी क्लियर हो गया है। अगर मैं बात करूं दिव्यांग, तो कुछ मतलब ऐसी डिफिकल्टी आपने फेस की जिससे आपको मतलब लगता है कि बच्चों को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए या इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे अपनी गलती लगती है, मैं चीजों को बार बार दोहराना बहुत कम किया है मैंने। अच्छा, मैं लिख कर करने में ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक आपको रिटर्न वे में करना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि अपनी असफलताओं से आपको निराश नहीं होना चाहिए, लगातार प्रयास पर प्रयास करने चाहिए। अच्छा, और जैसे आप CBSE से बिलोंग करते हैं, ठीक है, CBSE से, तो कोई बेनिफिट आपको उसका मिला है, जैसे ग्रुप डिस्कशन है आपका, DFT है या आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है? तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो CBSE से होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं यूपी बोर्ड से होते हैं, आपको CBSE से होने का क्या बेनिफिट मिला? मैम, CBSE बोर्ड से होने का बेनिफिट ये मिला कि हमारे स्कूल में डिबेट वगैरह, स्पीच वगैरह बहुत कंडक्ट कराई गई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के पास,
और वो इंग्लिश बोलने में उसे हेल्पफुल मिलती है जीडी में वहाँ पर। अच्छा अच्छा मतलब थोड़ा हेल्प उनको मिल जाती है क्योंकि थोड़ा वो मतलब उस हिसाब से बोलने की उनको आदत रहती है। ठीक है, अगर दिव्यांक मैं बात करूँ फेस वन की, ठीक है, और फेस टू की, तो फेस वन फेस टू क्लियर करने में बीच में मतलब थोड़ा गैप तो रहता ही है, तो उसके लिए मतलब फेस टू के लिए आपने और क्या क्या किया, मतलब कैसे मतलब की आपने ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, मतलब वहां पे आप कोचिंग क्लासेस गए, अपनी तरफ से आपने मतलब फेस वन के लिए मतलब कुछ बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगे जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते या जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी में उनको क्या करना चाहिए, तो कोई टिप्स आपकी तरफ से फेस वन के लिए भी और फेस टू के लिए भी? फेस वन के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो 12th 11th के नोट्स वगैरह हैं ये बुक्स वगैरह हैं उन्हें बहुत डीपली पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिए क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। और सेकंड फेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे स्पीकिंग में बोलने में असमर्थ हैं वो मिरर के सामने खड़ा होकर बोलें, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उनको मिलता है। अच्छा ओके, फ्रेंड सर्किल की बात करते हैं। अगर फ्रेंड सर्किल की बात करूँ मैं, टीचर्स की बात करूँ, फैमिली मेम्बर्स की मैं बात करूँ, तो जो भी है जैसे हमारा जो मतलब ये रहता है, चाहे एकेडमिक की बात करें या हम रियल लाइफ की बात करें, डिफिकल्टीज तो बीच में आती रहती हैं, तो ऐसे में मतलब कितना सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से या अपने टीचर्स की तरफ से मिला, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। सपोर्ट तो बहुत मिलता है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें ये खुला छोड़ते हैं कि जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा सपना है उसे पूर्ण करो, और अगर हम किसी चीज़ में थोड़ा कम भी हैं तो वो कहते हैं कि तू कर सकता है, तू करेगा और मुझे उम्मीद है तू उस पर खरा उतरेगा। अच्छा अच्छा, फ्रेंड्स सर्किल के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, टीचर्स के बारे में? मेरे फ्रेंड्स जैसा कि दो तीन और हैं जो फेस टू क्लियर कर पाए हैं यहाँ पर, सूरज सिंह, मैं उनसे बहुत अच्छे से मिला जुला हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, और हमारे आशीष सर जो डिफेंस जोन में पढ़ाते हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमसे तैयारी कराई। अच्छा अच्छा, फ्रेंड सर्किल का भी मतलब कहने का बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। हमारे फ्रेंड्स हमें अगर बिगाड़ते हैं तो भाई सपोर्ट भी तो करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में मैं कुछ मतलब ऐसी कोई गलती, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप लाइफ में ना दोहराना चाहते हैं ना आप ये चाहते हैं कि कोई और भी ना दोहराए, चाहे वो रियल लाइफ की कोई मिस्टेक हो, चाहे आपके स्टडी से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि दोबारा ना करें, क्योंकि सबसे पहले तो ये तो सब बताते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये नहीं करना चाहिए। तो मैं स्पेशली आपसे यही पूछना चाहूंगी, कोई ऐसी मिस्टेक आपकी रियल लाइफ की या फिर कोई ऐसी मिस्टेक जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम आपसे हुई हो और आप चाहते हो कि दूसरे ना दोहराएं? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बच्चे जब 9th क्लास में आते हैं 11th क्लास में तो कहते हैं कि 9th और 11th में मजे लो और 10th 11th 12th में थोड़ा सीरियस पढ़ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका 9th और 12th कमज़ोर 11th कमज़ोर होगा उसका 10th और 12th बेसिकली अपना भी कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, और 10th का और 12th का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को क्लियर करने में, चाहे वो 12th बेस के एग्ज़ाम हो या वो ग्रेजुएशन बेस के एग्ज़ाम हो। तो अपने हर क्लास को सीरियस वे में लें, पूर्ण पढ़ समय पर खेलें और अपना पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दें। अच्छा ओके, ठीक है। तो और कोई ठीक है, आप जो है दिव्यांक अपना आगे बढ़े, फाइनल जॉब तो देखो जब फेस टू क्लियर हो गया है तो फाइनल जॉब तो मिल जाएगी। और मैं बार बार इस फ्रेंड से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग मतलब सीखें, वीडियो देखें। देखो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 12th के जस्ट बाद उन्होंने सेल्फ स्टडी से अपना रिटर्न क्वालिफाई किया है, फेज टू क्वालिफाई किया है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन दिव्यांग, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है कुछ ऐसे हैं जिनका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया है या कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली मैसेज आ रहे हैं कि मैम स्कोर रिटर्न में बहुत अच्छा था बट फेज टू क्लियर नहीं कर पाए, DFT में प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इस बात दिक्कत आई है तो फेज वन क्लियर हुआ है तो फेज वन ऑब्वियसली आप दोबारा से क्लियर कर लेंगे, फेज टू की तैयारी आप अच्छे से करें। जो गलती आपसे हुई है वो ना दोहराएं, जैसे दिव्यांक ने अभी कहा है कि बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं कि 9th में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड्स जो है हमारे 10th और 12th में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और बाकी हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ये चैनल, कुछ मतलब कोर्स वीडियो के लिए भी और अपने एक्सपीरियंस के साथ भी। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको उससे सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर गलती जो है करके ही सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप मतलब अपनी गलतियां करें और उनको सुधारते रहें, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं की है तो वीडियो शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको
अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, बाकी डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अपने न्यू कैंडिडेट के साथ। आप ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको भी मोटिवेट होने के लिए, मतलब थोड़ा उनको, मतलब वीडियो देख के थोड़ा लगे कि वो आराम से कर सकते हैं एग्जाम क्लियर, अगर गट्स हैं आप में। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा, थैंक यू।